नाबालिग मजदूरों की घर वापसी कराई गई। बता दें कि नाबालिग मजदूरों को ज्यादा मजदूरी का लालच देकर कर्नाटक के कुशाल नगर में बंधक बनाकर काम करवाया जा रहा था। इसकी सूचना जैसे ही विधायक रामकुमार टोप्पो को मिली, उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए बंधकों को जल्द से जल्द छुड़वाने के निर्देश दिए, जिसके बाद बंधक बने चारों मजदूरों को सकुशल बरामद कर घर भेजा गया। पंद्रह तारीख को संतोष कुमार नाम का जो कि जो बंधक बनाए मजदूर थे उसका बड़ा भाई था, वो ग्राम पंचायत कोर्ट के रहने वाले हैं। उनके द्वारा एक आवेदन प्राप्त हुई थी हमको 15 तारीख को इसी महीने में कि राकेश कुमार जो बंधक बनाए गए हैं उसके साथ में और तीन साथी बंधक बनाए गए हैं कर्नाटक में, जिनको मजदूरी कराने के नाम पर लेके जाया गया था, लेकिन मजदूरी के नाम पर उनको बंधक बना लिया गया था, उनको घर से नहीं निकलने दिया जा रहा था। लेकिन इसकी सूचना आवेदन के रूप में हमें प्राप्त हुई, हमने प्रशासन को निर्देश किया और प्रशासन के त्वरित एक्शन पर आज ही उन मजदूरों को सकुशल अपने ग्राम पंचायत अपने घर तक लाया गया है।